वनडे वर्ल्ड कप को लेकर आई अपडेट। पाकिस्तान कहां खेलेगा अपने मैच? पाक ने इन दो शहरों को चुना। साल 2023 यानी कि इस साल के अंत में भारत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 5 अक्टूबर से होने वाले इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर भी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी जो कि पाकिस्तान में आयोजित होनी है। इसको लेकर भारत साफ कर चुका है कि वह पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। इसके अलावा अब पाकिस्तान भी लगातार धमकियां दे रहा है कि वह भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगा अगर भारत की टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आती है तो। लेकिन इसके बाद अब पाकिस्तान का रुख थोड़ा सा नरम होता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए भारत के दो शहरों को चुन लिया है। दरअसल ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत के अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान ने दो शहरों को सुरक्षित महसूस किया है। जब वह पहले मैचेस यहां खेला है तब उसको लगा है कि ये दो शहर काफी सुरक्षित हैं और शायद 2023 वर्ल्ड कप के मुकाबले पाकिस्तान यहीं खेल सकता है। पहले वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 46 मुकाबले खेले जाएंगे। 12 शहरों को इसे चुना गया है जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, गुवाहाटी और हैदराबाद का मैदान शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम अब ICC के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा बातचीत की जा रही है। ऐसे में ICC से चर्चा के दौरान ये चर्चा की जा रही है कि भारत के दो शहरों को चुना जाए जहां पाकिस्तान मुकाबले खेल सकता है। ICC से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो PTI को सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि BCCI और भारत सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन पाकिस्तान विश्व कप के लिए अपने अधिकांश मैच दो शहरों में खेलना चाहता है और ये दो शहर हैं कोलकाता और चेन्नई। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी साल 2016 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे तब उन्होंने भारत के खिलाफ कोलकाता में मुकाबला खेला था। इस दौरान सुरक्षा काफी कड़ी थी और वह इससे खुश हुए। इसके अलावा चेन्नई में पाकिस्तान के लिए एक यादगार मैच रहे हैं, यादगार स्टेडियम रहा है। ऐसे में पाकिस्तान वहां भी आकर के मैचेस खेल सकती है। इसके अलावा BCCI चेन्नई और कोलकाता के अलावा भारत पाकिस्तान के मुकाबले को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित करवाना चाहता है। इसके पीछे बड़ा फायदा ICC और BCCI दोनों को हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऐसे में अगर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होता है तो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ ICC को काफी फायदा होगा क्योंकि सभी टिकट सोल्ड होंगे। इसके अलावा तमाम तरीके के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। वहीं हम आपको ये बता दें कि इस स्टेडियम में ही वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इसके अलावा ओपनिंग मुकाबला भी इसी मैदान पर हो सकता है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मैचेस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित करवाने की चर्चा ICC और BCCI के साथ चल रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपना चेन्नई और कोलकाता वाला राग अलापता है तो ICC और BCCI कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर बीच में ये सामने आई कि पाकिस्तान भारत में नहीं अपने मैचेस को बांग्लादेश में खेल सकता है। ICC के महाप्रबंधक वसीम खान ने कहा था कि पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप के अपने मैचेस बांग्लादेश में खेल सकता है। लेकिन इसके बाद PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी और ICC ने इसे पूरी तरीके से बकवास करार दिया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की टीम चाहती है कि मोहाली में भी मुकाबले आयोजित हो जाएं। दरअसल साल 2011 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सेमीफाइनल खेला गया था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में खेला गया था। इसके पीछे बड़ा मकसद था कि पाकिस्तान के फैंस भी मोहाली में आ जाए। दरअसल पंजाब के मोहाली से पाकिस्तान पास पड़ता है। ऐसे में पाकिस्तान के फैंस भी आसानी से मोहाली के मैदान में पहुंच सकते हैं। लेकिन इस साल यानी कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में भारत ने ICC ने मोहाली को क्रिकेट वेन्यू के तौर पर नहीं चुना है। ये तो अन्य 12 शहरों में आयोजित होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता है। बहरहाल पाकिस्तान तो चाहता है कि कोलकाता और चेन्नई में मुकाबले हो, लेकिन इस पर BCCI ICC का क्या रुख सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।